नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के सबसे रिचेस्ट एंड लग्जरियस प्लैनेट के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे, रिचेस्ट एंड लग्जरियस मैं बोल रहा हूँ, यानी कि आज हम बात करेंगे वीनस यानी शुक्र के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, आज की दुनिया में जितनी भी चीज़ें लग्जरी और ब्यूटी से रिलेट करती हैं, वो लगभग सबके सब वीनस से रिलेट होती हैं, वीनस के कारण हैं, उनके बिना ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो दोस्तों, वीनस के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे आपको मिलेंगी। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ, अगर जो अलग मुद्दे हैं आपके लाइफ के, जो अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, द मनी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जैसा कि ये विनस पे वीडियो आप देख रहे हैं, वैसे ही मर्कुरी, जुपिटर, सैटर्न, इन सब पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जो कि आई नोटिफिकेशन में बटन पे आपको मिल जाएंगे ये सारे वीडियोस। और बाकी सारे अलग जो वीडियोस मैंने बताए, राहु को कैसे देखना है, जेमस्टोन कौन सा पहनना है, इस सारे वीडियोस आपको मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज बात हो रही है दोस्तों विनस, शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनके बारे में आपने सुना होगा। शुक्र जो ये शब्द है, ये शुक्राचार्य यानी कि शुक्राचार्य के वजह से है। कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, उसको आप समझिएगा। तो पहले ही बात करते हैं वीनस है क्या। दोस्तों, वीनस कुछ जितने प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो उनसे कुछ हटके है थोड़ा सा। जैसे कि वीनस की कुछ खास बातें आपको बता दूँ। वीनस 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, लाइक मीन में एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वीनस 12वें में अच्छा फल देता है, जो कि बाकी प्लैनेट्स कोई भी नहीं देते। शास्त्रों की अब बात करें तो शास्त्र में कहता है कि जैसे कि शुक्र ये दैत्य गुरु थी, जैसे मैंने कहा, यानी कि डेमन्स के गुरु थे, उनके लाइफ में कितनी ज़्यादा राजसिक चीज़ें हों, उनका सुख सुविधा देवों से हमेशा आगे हो, इसके लिए वो काफ़ी, उनके बोलते ना, काफ़ी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बिकॉज उनको एक, क्योंकि उनको देवताओं से उनकी अपनी शत्रुता, तो उसकी एक अलग कहानी है। कभी ज़रूरत हुआ तो मैं ज़रूर आपको ये सारी कहानियाँ भी बताऊँगा, बट स्टिल अभी फ़िलहाल इसकी बात करते। तो वीनस जो थे, ये देवताओं के प्रति इनको बहुत शत्रुता थी, और इसलिए ये जो शुक्राचार्य, देवताओं ने उनके साथ अत्याचार भी किया था एक तरह से, उस हिसाब से ये जो थे, ये डेमन्स जो थे यानी कि जो राक्षसों के गुरु बने, और उनकी सुख सुविधाओं को वो बोलते ना देवों से आगे, देवों से बेहतर रख सके, इसका वो खासा ध्यान रखते थे। इनके पास एक अकेली ऐसी विद्या थी जिसे कहते हैं संजीवनी विद्या, यानी कि मरे हुए को ये जिंदा कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डीप में सोचें हम, तो देखिए, हम हमेशा बात करते हैं एक पहला जन्म, दूसरा जन्म, 7 जन्मों की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचें, तो जैसे मैंने कहा कि जन्म से वापस दूसरा जन्म लेना, अगर हम बात करें इस पृथ्वी में, कलयुग में, अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो बोलते हैं ना कि अगर हम एक मरे हुए इंसान को वापस आना है, तो आज के डेट में कहते हैं ना कि शुक्राचार्य, शुक्राणु कहते हैं ना, स्पर्म्स जो वीनस है वो मेंस में स्पर्म को बहुत रिप्रेजेंट करता है, और जो वुमेंस होती हैं उनमें सीमेंस को दर्शाता है। तो आज के डेट में, मतलब नया जीवन पाने के लिए वीनस की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन वही जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, उनके पास ये संजीवनी विद्या थी, मरे हुए को जिंदा कर देते थे वो। तो ऑब्वियसली अगर एक बोलते ना, एक वापस से किसी को दूसरी लाइफ दे दो, तो एक तरह से आज की जो हम बात करते हैं ना, पहला जन्म, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ वगैरह, जो मतलब एक, देखिए अब इसके बारे में कितना सच है कितना क्या है, लेकिन जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ, उसके बेसिस में एक बात को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो सकता है ये शुक्र का उसमें बहुत बड़ा रोल हो। अब और बात करेंगे, वीनस जो दैत्यों के गुरु, जैसे मैंने कहा उनकी सुख सुविधाएं, वो राजाओं यानी कि जो देवताओं थे उनसे बेहतर हो। आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो जितने भी राक्षस रहे हैं, सबसे ज़्यादा लग्जरीज उन्हीं के पास रही है। कभी आप ध्यान से सोचिएगा, चाहे वो रावण रहा हो, और भी जितने भी राक्षस हैं, हिरणाक्ष रहे हों, महिषासुर रहे हों, उनके कभी आप स्टोरी पढ़िए, उनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं थी, यानी कि दे आर मोर रिच, मोर लग्जरियस लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, देवताओं से ज़्यादा उनके पास लग्जरियस लाइफस्टाइल थी। ये आप ध्यान दीजिएगा, हम अक्सर सोचते हैं कि देवताओं के पास बहुत अच्छी चीज़ें थी, नहीं, ऐश्वर्य की सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऐश्वर्य का
कनेक्शन जो होता है वो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड से होता है दोस्तों। मेटरलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि देखो, देवता थे जो ऋषि मुनि थे, उनका अल्टीमेट गोल ये था कि हमें मोक्ष पाना है, लेकिन जो राक्षसों का था वो था कि इंजॉय करना है, प्लेजर को लेना है ज्यादा से ज्यादा। मतलब बोलते हैं ना कि वन लाइफ वाला जो आज के डेट में जो चलता है ना, वन लाइफ है इस पूरी तरह से इसको, ये जो नया आपने सुना होगा ये मुद्दा कि एक ही लाइफ है जिंदगी, इसको जैसा चाहिए वैसे जी लो, आप जितना हो सके इसी में पालो। तो ये जो नया थिंकिंग है आज को, मैं ये कहूँगा ये असुरों की थिंकिंग थी, ये यही उनका उनका यही रहता, उनका गोल, अल्टीमेट गोल उनका बोलते हैं ना कि मोक्ष को पाना नहीं हो जाता था, उनका अल्टीमेट गोल ये होता था कि हम देवताओं से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं। और इसीलिए आप देखोगे पुराणों में, अक्सर आप देखोगे देवताओं और असुरों में इसी की लड़ाई है कि इनके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। आप देखना इस चीज को, इस चीज की लड़ाई आपको मिलेगी। तो शुक्राचार्य एश्योर करते थे कि जो मेरे मेरा जो एक होता ना सेगमेंट है, जैसे जिसको वो संभाल रहे हैं, जो असुरों का सेगमेंट है, वो सदैव वो सारी सुख सुविधाओं को भोग सके, उसके साथ अन्याय ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वो देवताओं के पास वो भोग है बट वो मेरे राक्षसों के पास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वीनस है। अब आज के प्रैक्टिकल लाइफ में वीनस को लगाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा आज की दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो वीनस से छूटा हो। एग्जाम्पल, आज आपको क्या चाहिए? हाई लाइफस्टाइल, हाई स्टैंडर्ड, डिजाइनर ड्रेस, यानी कि इन सब चीजों को आप ध्यान से एक बार सोचो, तो एक चीज बहुत सिंपली समझ में आएगी कि ये सारी चीज जो है आप अपने आप को, बोलते ना अपने आप को, आपके अंदर अट्रैक्शन, यानी कि आप खुद को आप चाहते हो कि जो हाँ जहां आप जाएं लोग आपको इग्नोर ना करें, लोग आपको माइंड करें, लोग आपको ध्यान, लोग आप पे जरूर ध्यान दें, लोग आपको कहीं इग्नोर करके ना चले जाएं। बोलते ना कि एक मूवी थी, मूवी का नाम मुझे नहीं मालूम, बट उसमें करीना का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि इसने पू को कैसे मिस कर दिया, समथिंग ऐसा वो डायलॉग था। कुछ ये जो इंटेंशन होता है लाइफ में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जो बढ़ा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ को बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे हमारा जो इंटेंशन होता है यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रख सके कि हाउ सक्सेसफुल वी आर, हम कितनी अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ हम जी रहे हैं, देखो हम कितने स्मार्ट हैं, उस चीज को दिखाने के लिए हम करते हैं। तो ये जो है सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफस्टाइल की जो बात हो रही है, ये है वीनस। वीनस से जो मिलता है दोस्तों, वीनस से आपको जो भी मिलेगा वो कुछ समय के में, उसका जो प्लेजर है, वीनस प्लेजर का कारक है, अट्रैक्शन का कारक है, खिंचाव और प्लेजर, ये दो चीज वीनस देता है आपके जीवन में, याद रखिए। ये वीनस की अगर आप बोलोगे व्हाट इज द पावर ऑफ वीनस, तो मैं कहूंगा अट्रैक्शन एंड द प्लेजर, वो खींचता है आपको अपनी तरफ, खींचना, उसको आकर्षक करना, वो वीनस का काम है। और उसके बाद अट्रैक्शन होने के बाद अगर प्लेजर, उस चीज से प्लेजर, किसी भी चीज से आप प्लेजर ले रहे हो, जो प्लेजर है आपके जीवन में वो वीनस है। और कोई भी प्लेजर लाइफ लॉन्ग नहीं होता या बहुत लंबे समय तक नहीं होता आपके जीवन में, वो कुछ समय तक होता है। किसी भी प्लेजर की आप बात कर लो, चाहे आप वो नशे से प्लेजर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ होता है कि कहते हैं ना कि कुछ लोग नशा करते हैं, नशा आपको कितने टाइम के लिए, बोलते हैं ना कि नशा एक आदमी करता है कि वो अपने एक्चुअली वो अपनी जिंदगी से भाग रहा होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो वो अपनी लाइफ को नहीं चेस कर पा रहा है, नहीं फेस कर पा रहा है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को, बोलते हैं ना कि वो बेहोश करना चाहता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहता है इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, इस सिचुएशन से, इसलिए इंसान नशा करता है। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने आप को वो कोई बहुत अच्छे लाइन अच्छी जगह पे लेके नहीं जा रहा, बट 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए वो जो भी नशा कर रहा है, एक दिन, चलो वो एक दिन ही बोलते ना कि एक बहुत शराब पी के इंसान पूरे दिन सो रहा है, तो क्या कर रहा है, एक दिन आपने वो गवा दिया, ठीक है, एक दिन गवा दिया। वो आपको क्या, वो जो वो आपने अपने आप को डिटैच किया कुछ टाइम के लिए सिचुएशन से, क्या वो परमानेंट था? नहीं था, वो कुछ टाइम के लिए था। आपने कोई भी लाइफ में सुख सुख लिया हो, जैसे कि आप बहुत अच्छे, बहुत आपकी एक इच्छा, जैसे मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है, आपकी बहुत बहुत गहरी इच्छा है कि इस होटल में मुझे जाना है, 5-स्टार होटल में बैठना है, लेकिन आप उस तरफ देखते हो, शायद अभी आपकी वो, आप उस काबिल नहीं हो, लेकिन एक टाइम आता है आप उसके काबिल हो जाते हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप मुझे बताइए आप उस होटल में कितने बार जाओगे? आप 1 या 2, मैक्सिमम 10 बार जाओगे। उसके बाद वो जो फील थी, वो जो प्लेजर था वहां पहुंचने का, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा आपको।
यही है प्लेजर का खेल। आप एक जब हम देखिए, लव जो है वो चंद्रमा है, प्रेम चंद्रमा है, प्रेम होन प्रेम जो है, लव इज मून, बट जो अट्रैक्शन है उसमें वो वीनस है। अगर मैं कहूँ प्यार वीनस के बिना पॉसिबल है, शायद नहीं पॉसिबल आज की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। प्यार मून के बिना पॉसिबल 100% नहीं हो सकता। तो ये जो दो प्लैनेट हैं बेसिकली, अगर हम इसको मून को, मून तो चलिए वो सच्चे प्रेम को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वीनस होता है, वीनस अट्रैक्शन को दर्शाता है, यानी कि आपको आपके पार्टनर के प्रति कितना अट्रैक्ट रहोगे, यानी कि कितना अट्रैक्शन रहेगा, वो वीनस है एक्चुअली। कहते हैं ना, अगर मैं कहूँ कि मून इज अ लव, तो वीनस इज द आर्ट ऑफ लविंग, यानी कि वो अपने प्रेम को कैसे रखता है अपने पार्टनर के सामने। दिस इज बोलते ना आर्ट ऑफ लविंग, जो हम कह सकते हैं वीनस है ये। तो आप एक बोलते ना एक फिजिकल सेंस में सोचो कि अगर आप आज के डेट में किसी की बात करें कि अगर आप इन्वॉल्व होते हो लव में, आप कितना देर तक तो वो प्लेजर को लेते हो, 1 घंटे 2 घंटे? लव इन अ सेंस एक फिजिकल जो कनेक्शन होता है एक बॉय गर्ल में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर की स्टेट में रहोगे, उससे ज़्यादा रह सकते हो? नहीं रह सकते। प्लेजर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, और अगर प्लेजर को बढ़ा के आपके लाइफ में मैं बहुत टाइम तक, तो आप, मैं आपको बता दूं उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कैसे? जो भी चीज़ वीनस से मिलती है वो प्लेजर के रूप में मिलती है, हैप्पीनेस के रूप में नहीं मिलती। हैप्पीनेस जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर होता है, जुपिटर इज द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज वॉट? आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपका बच्चा स्वस्थ है, आप प्राउड फील करते हो, वो हैप्पीनेस है जो हमेशा आपके बोलते ना अंतर आत्मा को फील होती रहती है, उसका आप ओवर शो नहीं करते, बट आज की दुनिया में लोग करते हैं। बट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको आप दिखा नहीं सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्रेस इट कि यस माय सन इज लाइक दिस एंड उसने इतना परफॉर्म किया वगैरह वगैरह जो भी है। आपके घर में कोई कोई बीमारी नहीं है, सब अच्छी लाइफ जी, बहुत पैसा नहीं है बट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है, लेकिन सबकी सब अपने जगह पे एकदम स्टेबल है। दिस इज द हैप्पीनेस, दिस इज द जुपिटर। वही वीनस की बात करें, वीनस से जो मिलता है प्लेजर मिलता है, जैसे मैंने कहा। तो प्लेजर को मैंने कहा बढ़ा दो तो आपकी डेथ हो सकती है। कैसे? देखिए, वीनस जहाँ भी होंगे, जैसे मैंने कहा वो दैत्य गुरु हैं, जहाँ वीनस होंगे वहाँ राहु का आना निश्चित है। और राहु जब आएगा तो सैटर्न भी आएगा, आपको याद रखिएगा, सैटर्न आएंगे तो राहु भी आएंगे, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन हुई, जैसे कि आपको समझा दूँ, जो महंगी शराबें हैं, जो भी महंगी शराबें हैं वो भी वीनस है। आप पैकेजिंग की बात करते हैं ना, आज के डेट में पैकेजिंग जितनी अच्छी होती है, हम क्या, जब कोई प्रोडक्ट आता है आपके, उसकी पैकेजिंग बहुत तगड़ी होती है, तो हम क्या होता है, हमको थोड़ा देर वो थम रोक देता है, हाथों में लेके हम उसको चेक करते हैं, यार बोलते हैं ना मन उससे कनेक्ट हो जाता है कि यार क्या करें, बोलते ना अट्रैक्शन वो है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ एक पिक आती है, आप रुक जाते हो, दैट इज द वीनस। वो जो वीनस का काम ही है कि आपको थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, वीनस यही काम करता है। तो जब किसी भी, आप मान लीजिए आपने कोई एक नशा पकड़ा, ठीक है, आपको नशे से प्लेजर मिल रहा है काइंड ऑफ, जैसे मैंने आपको समझाया, तो उस प्लेजर को आप क्या करोगे, अगर आपने आपके रूटीन में लाना चालू कर दिया, यानी कि डेली डेली आप उसको करना चालू कर दो, तो वो बोलते हैं ना रिपीटेशन ऑफ वर्क इज द सैटर्न। बार बार किसी काम को लगातार करो तो वो शनि है। जैसे कि आपको मैंने बताया शनि की ही अकेली राशि जो लगातार पड़ती है, मकर कुंभ, बाकी किसी की नहीं पड़ती, बाकी सबकी दूर दूर है, लेकिन शनि दिखाता है कि लगातार कंटिन्यूटी डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो जब शनि आ जाता है आपके जीवन में, यानी कि आप कोई चीज़ गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि एडिक्शन हो गया, आपको एडिक्शन हो गया तो शनि आपके जीवन में आ गया, और शनि शनि का सीधा हिसाब है, उसको आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं, यानी इमोशन से क्या लेना देना नहीं, शनि का क्या कहना, शनि का मतलब ये होता है आप को भले ही सामने वाले की गलती थी, उसने आपको धक्का दिया लेकिन आपने गाली दिया, तो आपने भी एक कर्म किया है, उसने धक्का किया उसको आपने गाली दिया, तो आपने जो गाली दिया वो भी गलत कर्म भी, वो तो शनि को इससे मतलब नहीं पहले इसने धक्का दिया, वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि आपने गाली दिया या नहीं दिया। आपने दिया तो उसका आपको पे करना है, धक्का जो उसने दिया उसको उसको पे करना है। आप समझ गए मेरी बात है? तो सैटर्न उसी तरह से कि यहाँ जब आप रिपीटेशन ऑफ वर्क कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो उसको पता क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या है, वो आपको रिजल्ट देगा। एडिक्शन क्या कहाँ लेके जाती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, एडिक्शन आपको डेथ की तरफ लेके जाती है, धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देती है आपके जीवन में। तो वीनस यही है, वीनस से जो मिलता है दोस्तों क्षणिक मिलता है, और आपको वो काफ़ी हद तक तबाह करने के लिए, जब आप उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो और भूल जाते हो, बोलते ना इंसान, कहते हैं इंसान जब कि बहुत ऊपर उठे लेकिन उसको अब
जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि अगर अपनी रियलिटी भूल गया और ये हमेशा सोचने लगा कि यस मेरे पास तो सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए होता है। आप देखो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े क्राइम करके बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? बड़े लोग ही बड़े लेवल का क्राइम करते हैं, याद रखिएगा। वीनस जिसके पास बहुत पैसा है, लग्जरी है, जिसके पास रुतबा है आज के डेट में अच्छा खासा, वही ये सारी काम करने में सफल हो पाता है। क्यों? क्योंकि वीनस जहाँ होगा, मैंने कहा वहाँ पे ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे शनि राहु ये नहीं, बिकॉज ये सब उनके मित्र हैं, खास दोस्त हैं। ये जहाँ वीनस होंगे वो वहाँ ज़रूर होंगे, शनि राहु ज़रूर होंगे। और आज के डेट में राहु वीनस ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं जिसमें इन्वॉल्व नहीं, ऑलमोस्ट लगभग सब प्रोफेशन में ये लोग आ जाते हैं। अब आपको कुछ गहरी बातें बताता हूँ। वीनस आपने सुना होगा 12वें भाव में एग्जॉल्टेड हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वीनस 12वें भाव में एग्जॉल्टेड क्यों होता है? वीनस इंजॉयमेंट को दर्शाता है, प्लेजर को दर्शाता है। 12वां भाव क्या होता है? आप एक्सपेंड करते हो। एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने 12वें भाव के बारे में हर एक वीडियो में लगभग बोला है कि 12वां भाव क्या है। 12वां भाव आपके जीवन के हर टाइप की जो एक्सपेंड है, यानी कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पैसे की बात यहाँ पे अकेले सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही, पैसा हो, थिंकिंग हो, आपकी एनर्जी हो, आपका आपका कॉन्शियसनेस हो, आपकी बात हो, शब्द हैं आपके जो छूट जाते हैं आपसे, जो खर्च है जीवन में वो सब 12वां घर है। जो छूट गया, जो आपसे निकल गया इस दुनिया के अंदर, वो हो गया 12th house। उसको 12th house एब्जॉर्ब कर लेती है। 12th house इज अ डिजॉल्व। 12वां घर एक काम करता है, घोल बोलते ना, शक्कर को आप पानी में मिला दो फिर वो शक्कर नहीं दिखती, या नमक को मिला दो, तो 12वां घर उसी का काम है। 12th house कुछ ऐसा ही है। 12th house डिटैचमेंट को दर्शाता है, फॉरेन चीज़ों को दर्शाता है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको कई बार बताई। लेकिन जो वीनस जब वहाँ पे एग्जॉल्टेड क्यों होता है, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आपको शेयर किया, आप जाएंगे तो उसे ज़रूर देखिएगा। जब आप फॉरेन के बारे में सोचते हो, फॉरेन या फिर विदेश जाने के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में क्या होता है? लाइफस्टाइल, एंजॉयमेंट, समथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा बोलते हैं ना, अरे वहाँ पे कुछ ज़्यादा राजसिक सुख जिसे कहते हैं ना, भोग विलास की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा रहता है, भोग विलास की तरफ आप ज़्यादा खिंचे हुए रहते हैं। जब आप 12वें यानी कि 12th house जो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं जोड़ रहा हूँ, कनेक्ट करके दे रहा हूँ डॉट्स, यानी कि जब आप विदेश के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है? ये वीनस है। 12th house एक्सपेंसेस का है। आपकी लाइफ में जब आप अपने एनर्जीज को वेस्ट करते हो, आप इंजॉय करते हो, ध्यान दीजिएगा, कभी चाहे वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी हो, जो वीनस जो मैं वीनस प्रधानता दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप उस एनर्जी को वेस्ट करते हो या फिर यूटिलाइज करते हो, आप इंजॉय करते हो। तो वीनस एज आई सेड इंजॉय प्लेजर जो दे रहा है वो प्लेजर है। तो वहाँ पे इसलिए 12th house में एग्जॉल्टेड होता है वो। एनर्जी जो भी आप बोलते ना, कि कहते ना कि इंसान को बोलना पसंद है, सुनना नहीं। बोलने में ज़्यादा आदमी बोलना चाहता है आज के डेट में, सुनना किसी की नहीं चाहता। क्यों? बोलने में आनंद आता है। एज आई टोल्ड यू कि एनर्जी को लिबरेट करने में ना मज़ा आता है, क्योंकि एनर्जी जब आप खर्च करोगे तभी तो आनंद आएगा। बिकॉज कहते ना कि एवरीथिंग यू हैव टू पे, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम जीवन में हर एक पल में इंसान जाने अनजाने में अपने प्लेजर को ढूंढता है, याद रखिएगा। चाहे बातों के जरिए, चाहे पैसे के जरिए, चाहे शरीर के जरिए, चाहे मन के जरिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए 12वें घर को ध्यान का हाउस भी कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि जैसे मैंने कहा कि ये डिसॉल्व होने की स्टेट को दिखाता है। जैसे कि अगर आप फॉरेन में जाते हो तो इमीडिएटली आप कट जाते हो, देखा जाए तो आपके फ्रेंड फैमिली सबसे कट गए आप, अब आप क्या करोगे? धीरे धीरे आपको वहीं के लोगों में डिसॉल्व होना पड़ेगा, वहाँ की एडेप्टेशन को ग्रेस्प करना पड़ेगा उनके बीच में जीने के लिए। तो यही है 12th house। ध्यान की स्थिति को, मेडिटेशन की स्थिति को बैठते इमीडिएट नहीं कनेक्ट हो सकते, आपको समय लगेगा, आपको प्रैक्टिस लगेगी, इट्स टेक टाइम्स। इसलिए मेडिटेशन भी उसी का। और दूसरा, मेडिटेशन आपको इस दुनिया से काटता है। यानी कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? देखो धार्मिक अलग होता है, धार्मिक व्यक्ति अलग होता है। लोग धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी को कभी कभी जोड़ देते हैं। नहीं, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आप अपने अंदर के ईश्वर को, अपनी अंदर की आत्मा को कनेक्ट करना चाहते हो अपने आप से। और कहते हैं ना, इंसान अपने आप को जान ले इस धरती पे, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। वो ईश्वर से पाने से बड़ी उसको उपलब्धि मिल गई समझ लो, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। धार्मिक में क्या होता है, जब धार्मिक होते हैं तो हम वी आर सर्चिंग अ गॉड आउटसाइड फ्रॉम आवर, बोलते हैं ना, अपने कॉन्शियसनेस से बाहर सर्च करते हैं। बट जब हम स्पिरिचुअल होते हैं,
स्पिरिचुअल जब होते हैं, जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हम अपने आप को सर्च करते हैं। तो दिस इज डिफरेंस कि 12th हाउस में, और आज की, और थोड़ा सा आपको और करीब लेके जाता हूँ, आज के डेट में जो बेसिकली 12th हाउस सैया सुख का भी कहा जाता है, आप सोचिए वो एक ऐसी स्टेज होती है बेसिकली सैया सुख की, जो स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त इंसान कुछ क्षण के लिए, कुछ पॉइंट के लिए आपको, बट एक्चुअली पूरी दुनिया से डिटैच हो पाता है, पूरा बोलते ना पूरा ध्यान उसका एक जगह पे हो पाता है, अपने आप को डिसॉल्व महसूस कर पाता है, वो एक टाइम होता है। इसलिए 12th हाउस में वीनस को एग्जॉल्टेड कहा गया है। वीनस 6th यानी कि वर्गो में डेब्लिएटेड नीच का हो जाता है। क्यों? शत्रु से लड़ना है, वहाँ पे डिजीज, कुछ डिजीज में किसे इंजॉय, बीमार होकर किसे मजा आ रहा है, शत्रु से लिटिगेशन में पढ़ के किसे मजा आ रहा है, बार बार स्ट्रगल करके आगे बढ़ने में किसे मजा आ रहा है, तो 6th हाउस में डेब्लिएटेड हो जाता है, वो नीच का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे शत्रुओं से सामना करना है, वहाँ पे ट्रिकी चीज़ें हैं सब, वहाँ पे संघर्ष है, तो 6th हाउस में वो ऑलमोस्ट डेब्लिएट हो जाता है, वहाँ पे मज़ा नहीं, बिकॉज वहाँ पे प्लेजर नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए 6th हाउस में वीनस डेब्लिएटेड हो जाता है। 6th हाउस को इस तरह से देखना है आपको। और वीनस कहीं पे भी हो आपके चार्ट में, बेसिकली वो अच्छा चीज़ देता है, बिकॉज वन ऑफ द नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है, और आज के दुनिया, आज के डेट में तो बहुत ज़रूरत है भाई लोगों को वीनस की, बिकॉज एवरीबडी इज़ आस्किंग कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, कितना पैसा होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन भी लोगों का ऐसे ही होता है कि मेरे पास कितना पैसा होगा, आप मुझे बताओ भाई कितना का डेफिनेशन क्या। देश काल पात्र इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मैं बता दूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ के जाइएगा, 20 माले की बिल्डिंग है, एक बच्चा दूसरे फ्लोर पे पैदा हुआ, उसी समय एक बच्चा 10वें फ्लोर पे पैदा हुआ, दोनों का बर्थ टाइम, दोनों का डेट सेम है। अब मुझे बताइए, दोनों का गोल यही है कि वो 20th फ्लोर पे पहुंचना है, तो पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि ये जो 20th फ्लोर वाला है, सॉरी जो 10th फ्लोर वाला है, ये 10वें महले वाला ये 20वें फ्लोर पे जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन जो दूसरे महले पे पैदा हुआ, जो सेकंड फ्लोर पे पैदा हुआ, उसको 20th फ्लोर पे पहुंचने में टाइम और एनर्जी, यानी कि समय और संघर्ष दोनों ज्यादा लगेंगे, यहाँ पे जो कि 10वें महले पे है, जो कि ऊपर पे, उसको उतना कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ट्रिकी सिचुएशन क्या हो जाती है, ये जो बंदा है जो 10वें फ्लोर पे पैदा हो, अगर ये ऐसा जब सोचने लगता है, यानी कि जब यहाँ पे कर्म की महत्वता मैं आपको समझा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी यानी कि सिर्फ चार्ट में जो लिखा वही नहीं होता, आपका कर्म मैटर करता है आपके जीवन में, ये आप कभी मत भूलिएगा। जो 10वें फ्लोर पे बैठा है, अगर वो ये सोचने लगे यार मेरे को तो थोड़ा ही जाना है, मैं तो आराम से चला जाऊंगा, वहीं पे सेकंड हाउस में जो बैठा वो ये फील करता है कि यार मैं तो अनलकी हूँ, कितने लोग मेरे ऊपर हैं, लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे तो बहुत ऊपर जाना है, 20th फ्लोर पे पहुंचना है मुझे, वो एनर्जी तुरंत लगाता है, तो वो दौड़ में लग जाता है, वो भले उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो स्टार्ट हो गया उसने चालू कर दिया। वहीं पे ये जो 10th फ्लोर पर पहुंचा है, ये वहीं पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कर्म की महत्वता को समझिएगा, तो ये हो सकता है दूसरे फ्लोर वाला जल्दी पहुंचा, 10वें फ्लोर वाला नहीं पहुंचा, लेकिन भाग्य कहते ना कि लक किसका अच्छा है, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे, सुख किसको ज्यादा मिलेगा, 10वें फ्लोर वाले को मिलेगा, वो इजिली पहुंच सकता है। तो दिस इज अ देश काल पात्र। देश काल पात्र क्या है, किस देश के बारे में बात कर रहे हो, काल यानी किस समय के बारे में, आज जैसे कि 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, आज मैं किसी को 13 साल की लड़की को जाके मैं उसको ये नहीं बोल सकता आपके आपके चार्ट में मुझे शादी के योग दिख रहे हैं। शादी के योग अक्सर 5 से 10 साल में बनते रहते, इसका मतलब हर साल इंसान शादी करता है, ऐसा नहीं है। तो देश काल पात्र, पात्र क्या होता है, पात्र यानी कि किससे बात कर रहे हो, आप अमिताभ बच्चन की बेटी की कुंडली देख रहे हो, कि आप किसी स्टैंडर्ड एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने वाली मिडिल क्लास फैमिली की कुंडली देख रहे हो, सेम टाइम पे पैदा हुआ है, लेकिन दोनों के स्ट्रगल में, दोनों के अचीवमेंट्स में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उनकी रेस अलग अलग जगह से शुरू हुई है। तो देश काल पात्र का नियम कभी ना भूलें, तो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने में जल्दी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।